तो आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है टीएम, टोटल मॉइस्चर इनकोल। इससे पहले हमने और पढ़ा चुके हैं टीएम के बारे में, वो मेथड था हमारा आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 1350 के अकॉर्डिंग आपको बताए थे। आज का टीएम रहेगा हमारा एफएसए के अकॉर्डिंग रहेगा, एफएसए फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। टीएम किसके अकॉर्डिंग रहेगा तो एफएसए के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है ना। इसमें क्या होता है, ये कैसे अलग है, तो वो हमने आईएस में देखे थे केवल दो स्टेप होता है, लेकिन इसमें तीन स्टेप होता है या तीन स्टेज के माध्यम से अपन को इसको सॉल्व करना है ना। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये क्या होता है हमारा तीन स्टेज होता है। एक्स पहला स्टेज, वाई सेकेंड स्टेज, जेड थर्ड स्टेज होता है। क्या होता है जनरली इसको टेस्ट करने के लिए हमको ये क्या है रिक्वायरमेंट लगता है, तो सबसे पहले हमको लगेगा एम्प्टी ट्रे, कोल लगेगा, सिंपल लगेगा है ना। कोल क्या रहे हमारा सिंपल है, और इसमें दो हमारा क्या लगेगा ओवन लगेगा। दो ओवन क्या रहेगा हमारा, एक 38 डिग्री का रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा 108 जो कि रेगुलरली लगता है ना। तो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक सिंपल करते हैं, सिंपल करने के बाद कोल को उसके बाद उसको प्रिपेयर के लिए ले आते हैं। तो प्रिपेयर के लिए लाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिपेयर कोनिंग क्वार्टरिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, एक हिस्सा से टीएम निकालते हैं। इस टीएम का वेट कितना केजी लेना है अपन को, तो 5 to 7 kg, 5 to 7 kg लेना है इसमें अप्रॉक्स है ना, 5 to 7 kg लेना है। इसका साइज क्या रहेगा, 50 mm, -50 mm रहेगा, याद रखिएगा इसका साइज क्या रहेगा, -50 mm रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल मॉइस्चर निकालने के लिए अपन इसको ले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, पहला स्टेज को हम एक्स बोलेंगे। एक्स के लिए क्या करते हैं अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं लेब में टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले हमारा एम्प्टी ट्रे होता है। एम्प्टी ट्रे को क्या करते हैं, वेट करते हैं, जिसको क्या करते हैं अपन W1 माने हैं। ये क्या होता है हमारा एम्प्टी ट्रे है ना। अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करने लगे हैं, पहला स्टेज एक्स के लिए कर रहे हैं ना। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्प्टी ट्रे, एम्प्टी ट्रे का वेट हो जाएगा, मान लो इसको क्या माने हैं 0.255 मान लिए है ना केजी। हमारा क्या हो जाएगा एम्प्टी ट्रे, जो एम्प्टी ट्रे लाए हैं है ना, फोटो में देखिए एम्प्टी ट्रे लाए हैं जिसको वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमको क्या होता है, वेट करने के बाद ये हमारा कितना वेट आया, ये हमारा 0.255, और इसमें क्या लग जाएगा हमारा डिजिटल वेट मशीन, डिजिटल वेट मशीन भी लगेगा ठीक। ये हो गया, आप अपन क्या करते हैं सिंपल लाते हैं। सिंपल को क्या करते हैं, सिंपल W2 क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, इस एम्प्टी ट्रे में, इस एम्प्टी ट्रे में क्या करते हैं अपन सिंपल डालते हैं। ये हमारा एम्प्टी ट्रे हो गया, एम्प्टी ट्रे में क्या करते हैं अपन सिंपल डालते हैं। ये हमारा सिंपल हो गया, कूल का सिंपल, तो क्या हो जाएगा सिंपल प्लस एम्प्टी ट्रे, सिंपल प्लस ट्रे का वेट, तो हमारा क्या हो जाएगा 5.255 है ना। ये क्या कर रहे हैं अप्रॉक्स, आपको डिजिट बता रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में यहाँ पे आसानी होगा है ना। ये क्या है अपन ले लिए हैं 0.255, हमारा क्या जाएगा एम्प्टी ट्रे का डिस, एम्प्टी ट्रे का वेट, और क्या हो जाएगा सिंपल प्लस ट्रे, दोनों एक साथ हो गया। ये सबसे पहले हम क्या लिए थे, हम ट्रे लिए थे, उसके बाद हमारा ये सिंपल भी हो गया, मतलब सिंपल प्लस ट्रे का वेट हमारा क्या हो जाएगा 5.22 kg, इसमें केजी में लेना है ना। अब क्या करते हैं अपन सिंपल वेट निकालने के लिए, हमारा एक्चुअल सिंपल कितना है, इस ट्रे में हमारा सिंपल कितना है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, W2 - W1 करना पड़ेगा। W2 - W1 करना है तो हमारा क्या होगा सिंपल वेट निकलेगा, याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा ये सिंपल वेट निकलेगा है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल वेट, यहाँ SW से शो कर रहे हैं, तो देखो 5.225, याद रखिएगा 5.255 - 0.25 है ना, सॉरी घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 kg हमारा क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। हमारा सिंपल कितना वेट है, तो हमारा सिंपल का प्योरली वेट हमारा 5 kg है, हो गया। यहाँ पे सिंपल वेट कितना हो जाएगा, देखो 5 kg सिंपल है, 5 kg सिंपल को क्या करते हैं अपन, अब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में क्या क्या रहेगा हमारा, सीलिंग फैन रहेगा और एक एग्जॉस्ट फैन और एक ट्यूबलाइट, इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए क्या करते हैं इसको 24 आवर रखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 24 आवर के लिए, इसको क्या मानते हैं W3 मानते हैं, 24 आवर्स के लिए क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं ड्राई करते हैं, रूम टेम्परेचर में ड्राई करते हैं,
ड्राई करते हैं ना रूम टेम्परेचर में, फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, वेट लेते हैं, इसका वेट लेते हैं। तो हमारा देखो W3 माइनस W2 क्या हो जाएगा, हमारा वेट लास्ट कितना में, 24 आवर्स बाद। तो इसका जब वेट लेते हैं तो मान लो कितना आया, इसका वेट आया है मान लो 4.800, मतलब 4800 ग्राम हमारा क्या आया है, सैंपल का वेट आया है ना। अब इसको क्या करते हैं, कितना हमारा वेट लॉस हुआ 24 आवर में, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमको W2 माइनस W3 करना पड़ेगा। W2 माइनस W3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट लॉस निकलेगा, वेट लॉस 24 आवर में, वेट लॉस 24 आवर में निकलेगा है ना। तो अब देखो 5 kg को 5000 माइनस 4800, यहाँ देखने से पता चल रहा है क्योंकि डिजिट ऐसा लिए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मजा आए है ना। 800 ग्राम है ना, 5 kg में 400, अपन 4 kg 800 ग्राम को घटाते हैं तो 200 ग्राम आएगा। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 200 ग्राम, 0.2200 हमारा क्या आ गया, सिंपल का वेट। मतलब हम 24 घंटा अपन सिंपल को सुखाए हैं तो उसमें से हमारा सरफेस मॉइस्चर कितना निकला है, सरफेस मॉइस्चर हमारा 200 ग्राम हमारा क्या हुआ है, सरफेस मॉइस्चर लॉस हुआ है। ठीक, ये हमारा हो गया 24 आवर के लिए। अब क्या करते हैं, अपन थर्ड स्टेज का बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टीएम का थर्ड स्टेज। अब इसी सैंपल को फिर हम 48 घंटा के लिए सुखाएंगे सेम रूम टेम्परेचर में। ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटा सुखा दिए, 24 घंटा सुखाने के बाद वेट ले लिए, वेट लेने के बाद क्या कर रहे हैं अपन, फिर से उसको 48 घंटा बाद सुखा रहे हैं। याद रखिएगा W4 हमारा क्या हो जाएगा, W4 हमारा हो जाएगा 48 आवर्स, 48 आवर ड्राई रूम टेम्परेचर। तो इसका मान लो कितना आ जाएगा हमारा, जब वेट किए हैं तो हमारा हो जाएगा ये, इसमें 4.500 इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक, क्या कर रहे हैं अपन देखो, सबसे पहले 24 घंटा के लिए सुखाए हैं, फिर उसका वेट ले लिए, वेट लेने के बाद उसको फिर से सुखा दिए अपन 48 घंटा के लिए। अब 48 घंटे बाद अपन आके क्या कर रहे हैं, उसका वेट ले रहे हैं, तो मान लो हमारा कितना आ जाएगा, 4.500 है ना। अब ये कितना लॉस हुआ उसको कैसे पता चलेगा, तो अपन को देखो W3 माइनस W4 करना पड़ेगा। W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 48 घंटे का सिंपल वेट निकलेगा। 48 घंटा में कितना हमारा क्या हुआ है, वेट लॉस हुआ है, ये हमको पता चलने वाला है। तो कितना हुआ है हमारा, 4.800 माइनस 4.500, तो आपको ऐसे पता चल रहा होगा 300 ग्राम हमारा क्या हुआ है, सिंपल लॉस, वेट लॉस हुआ है हमारा। एक दिन में हमारा कितना हुआ, तो 200 ग्राम, लेकिन हम उसको 2 दिन रखे तो कितना हो गया हमारा, हमारा 300 ग्राम। मतलब टोटल हम क्या कर रहे हैं, 3 दिन के लिए इसको सुखा रहे हैं। याद रखिएगा 3 दिन के लिए सुखाए हैं, तो हमारा सिंपल हमारा कितना था, 5 kg, लेकिन 3 दिन के बाद कितना हो गया, वो हमारा 4.5 kg हो गया है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है, एकदम समझ आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले क्या किए हैं अपन, एम्प्टी ट्रे लिए हैं जिसका वेट हमारा क्या है, 0.255 है ना। आप इसको कुछ भी ले सकते हैं यार, कुछ भी, अलग अलग ट्रे का अलग अलग वेट होता है। तो हमारा क्या है, खाली ट्रे लिए हैं, उसको वेट किए हैं, वेट करने के बाद क्या किए हैं, उसमें सैंपल डालने हैं, सैंपल डालना है 5 to 7 kg है ना। अब क्या करते हैं, हम सैंपल डालने हैं जिसका वेट, सैंपल प्लस ट्रे का वेट कितना हो गया, 5.255 है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, एक्चुअल सिंपल कितना है पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो W2 माइनस W1 करते हैं, तो हमारा एक्चुअल सिंपल वेट पता चलता है। एक्चुअल सिंपल वेट हमारा क्या है, हमारा तो 5 kg है, ये हमारा सिंपल वेट कितना है, हमारा 5 kg हो गया। अब इस 5 kg को क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में हम ड्राई करते हैं 24 आवर के लिए, 24 आवर के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा W3, ये हमारा W3 हो जाएगा। 24 आवर के लिए क्या करते हैं, इसको सुखाते हैं 24 आवर के लिए, ड्राई करते हैं रूम टेम्परेचर में, तो इसका वैल्यू कितना आया है मान लो 4.800 है ना, 4 kg 800 ग्राम इसका क्या आया है, वजन आया है। अब इसको घटाते हैं, हमारा जैसे अब ये पता चल रहा है 200 ग्राम हमारा वेट लॉस हुआ है करके, लेकिन वैल्यू हमारा डिजिट में आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 24 घंटे में हम वेट ले रहे हैं तो 200 ग्राम हमारा सिंपल लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है सिंपल का है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये 48 ग्राम, 4800 जो ग्राम आया है, उस सिंपल को फिर से हमको क्या करना है, रूम टेम्परेचर में 48 घंटा के लिए, 48 आवर्स के लिए अपन को क्या करना है, ड्राई करना है। 48 आवर्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई करेंगे, तो ड्राई करने में क्या आ रहा है हमारा, मान लो जब वेट किए तो
4.50 मतलब 4.5 kg हमारा सिंपल आ रहा है ना। अपन देखते हैं हमारा W3 कितना है, हमारा सिंपल वेट कितना है 5 kg है ना। हमारा सिंपल वेट कितना है 5 kg, इसको कितना मान लें अपन, मान लो ये हो जाएगा है ना, ठीक है ये सिंपल वेट हो गया। ठीक, ये 48 आवर्स के लिए रख दिए हैं। 48 आवर्स क्या हो जाएगा हमारा, जब सिंपल लिए हैं तो हमारा वेट कितना आ गया, हमारा इसमें वेट आया है हमारा 4.500। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं अपन, ये 4.5 kg को अपन क्या करते हैं, एक ओवन, छोटा सा ओवन होता है उसमें क्या करते हैं, जिसका टेम्परेचर 38 ग्राम 38 सेंटीग्रेड प्लस माइनस का 2 रहता है। अब इसमें W5 में क्या है हमारा, एक 38 सेंटीग्रेड है ना, 38 सेंटीग्रेड का हमारा क्या रहेगा, 38 सेंटीग्रेड सेल्सियस का हमारा एक ओवन रहेगा, जिसमें अपन जो सिंपल है 4.5 kg उसको रखते हैं। रखने के लिए कितना घंटा रहता है हमारा, 2 घंटा। 2 घंटा बाद उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको वो क्या करते हैं, वेट लेते हैं। तो वेट में हमारा मान लो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ये इतना आया है ना, ये हमारा क्या है, हमारा ये वेट है 4.400 मतलब 4 kg 400 ग्राम, ये हमारा क्या है सिंपल वेट है। अब क्या करते हैं अपन, इसको निकालते हैं, वेट माइनस करते हैं ना, सिंपल वेट माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल वेट माइनस हमारा W5। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, जैसे कि W1 को और कुछ लिख सकते हो है ना, ये आपको बस समझ आना चाहिए। सिंपल वेट को अपन W3 भी लिख सकते हैं, चाहते हैं तो सिंपल वेट को अपन W3 मान सकते हो और इसको आगे बढ़ा सकते हो। ये हमारा 24 को क्या लिख सकते हो, W4, और ये हमारा 48 को W5, और ये हमारा जो 38 सेल्सियस वाला को W6 लिख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा समझ आए करके हम उसको सिंपल वेट लिख दिए हैं। और ये जो हमारा W5 है, ये हमारा 38 सेल्सियस हमारा ओवन का टेम्परेचर वाला हमारा जो वेट लॉस है उसमें वेट लॉस करना है अपन को, है ना। तो ये हमारा W5 हो गया। हमारा सिंपल कितना था, सिंपल स्टार्टिंग में लिए हैं, याद रखिए 5 5 के आते हैं, 5 kg लिए हैं सिंपल 500 माइनस हमारा कितना आया है W5, कितना है W5 देखो, 4 दशमलव कितना है, 4.400। ठीक, याद रखिएगा। अभी हमारा कितना आ रहा है आंसर, तो हमारा आ रहा है 0.5 निकाल रहे हैं अपन, वेट लॉस निकाल रहे हैं। वेट लॉस कैसे निकालते हैं आपको बता रहे हैं, वेट लॉस हमारा क्या हो जाएगा, वेट लॉस निकाल रहे हैं, याद रखिएगा, वेट लॉस है ना। वेट लॉस क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल वेट माइनस W5 जो लास्ट में आए हैं, W5 को ही मतलब रखना है, इस सिंपल से आपको मतलब रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस सिंपल सिंपल में कितना वेट लॉस हुआ है यहाँ से हमको पता चलेगा, दोनों को घटाएंगे तो, है ना, दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल वेट निकल जाएगा। जो सिंपल लॉस हमारा क्या हुआ है, सिंपल में जो लॉस हुआ है वो हमको यहाँ से पता चलेगा। तो देखो एस क्या है हमारा, SW हमारा सिंपल वेट है, SW हमारा सिंपल वेट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, SW सिंपल वेट माइनस W5। W5 क्या है हमारा, 38 डिग्री सेल्सियस में क्या किए हैं अपन, इसको 2 घंटे के लिए क्या कर दिए इसको, तो 2 घंटे के लिए इसको ओवन में रखे हैं। ओवन में रखने के बाद ठंडा किए, ठंडा करने के बाद उसको वेट लिए हैं, तो हमारा 4.400 क्या है इसका ग्राम में वैल्यू आया है। अब दोनों को अपन घटाते हैं, 5 5 kg को क्या करते हैं, 4.5 क्या है, 4 kg 400 ग्राम को घटाते हैं, तो हमारा 0.600 ये हमारा क्या आ जाएगा, वेट लॉस। मतलब पूरा प्रोसेस में हमारा कितना वेट लॉस हो रहा है, 600 ग्राम हमारा वेट लॉस हो रहा है। सबसे पहले 24 घंटा सुखाए हैं, 24 घंटा के बाद उसका वेट लिए, वेट लेने के बाद 48 घंटा सुखाए, 48 घंटा के बाद क्या किए हैं, 2 घंटे हम ओवन में रखे हैं, 38 प्लस माइनस का 2 उसमें रखे हैं, तो हमारा टोटल वेट लॉस कितना हुआ, माइनस 0.66 0.600 ग्राम, याद रखिएगा 0.600 ग्राम हमारा वेट लॉस हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, सरफेस मॉइस्चर निकालते हैं। सरफेस मॉइस्चर को क्या है हमारा, एक्स है ना, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट लॉस माइनस वेट लॉस है ना, डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इन टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 100। देखो वेट लॉस को अपन W6 मान सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन WL में वेट लॉस इसका फार्मूला एक्चुअल यही है, वेट लॉस अपन सिंपल वेट, सिंपल वेट को अपन XY जो भी मान सकते हो आपके ऊपर है ना। तो वेट लॉस हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा वेट लॉस है एक्चुअल में, वेट लॉस यही है, तो 0.600। अब हमारा सिंपल वेट के हम पहले से निकाल चुके हैं, 500 5 kg इंटू 100। अब इन सबको मल क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा एक्चुअल में हमारा TM जो क्या है, सरफेस मॉइस्चर, ये 12 आता है, 12%
12% क्या आता है हमारा सरफेस मॉइस्चर का, क्या है हमारा परसेंट है 12%, याद रखिएगा है ना। तो इतना में हमारा क्या आ गया, हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेज के लिए देखते हैं सेकेंड स्टेज क्या होता है। फर्स्ट स्टेज को एक बार बता देता हूँ ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन एम्प्टी डिश लिए हैं जिसका वेट कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब, है ना, कि जो वेट आएगा वही रहेगा। दूसरा हम सिंपल प्लस हम क्या किए हैं, जो ट्रे है दोनों का वेट लिए हैं। वेट लेने के बाद जो सिंपल आया वो हम घटाने के बाद क्या है हमारा सिंपल वेट। तीसरा 24 घंटा के लिए रखे हैं, फिर उसको क्या किए हैं वेट लिए हैं। फिर 48 घंटे के लिए रखे हैं, फिर उसका वेट लिए हैं। फिर उसी सैंपल को क्या किए हैं 38 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किए हैं 2 घंटे के लिए रखे हैं ओवन में, 2 घंटे के लिए, याद रखिएगा। फिर इसको ठंडा किए तो हमारा ये W5 ले लिए इसको, है ना, ये इसको क्या किए हैं अपन W5 लिए हैं। अब इसको वेट लॉस कितना हुआ हमारा एक्चुअल में, इन सब प्रोसेस में वेट लॉस कितना हुआ उसको निकालने के लिए क्या किए हैं अपन सिंपल वेट माइनस W5। तो हमारा यहाँ पे 0.600 मतलब 600 ग्राम हमारा वेट लॉस हुआ है। अब हम सरफेस मॉइस्चर निकालते हैं, तो सरफेस मॉइस्चर का हमारा फार्मूला क्या है, वेट लॉस अपन हमारा सिंपल वेट इंटू 100। इतना सबको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा हमारा सरफेस मॉइस्चर कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब सेकेंड स्टेज में जाते हैं अपन, क्या करते हैं अपन सेकेंड स्टेज कौन सा होगा हमारा, वाई होगा। अपन क्या कर रहे हैं सेकेंड स्टेज देख रहे हैं। सेकेंड स्टेज में सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिंपल का साइज है उसको क्रश करते हैं, है ना। जो हमारा 50 mm था उसको 12.5 मिला दिए। 12.5 मिलाने के बाद उसको हमारा 5 kg है। अब उसको सिंपल को हमको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो हम क्या किए हैं इसको कोनिंग क्वाड्रेंट करके 1 से 2 kg तक ला दिए। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मान लो 1 kg ले लिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा Y1, इसमें रहेगा सिंपल प्लस ट्रे का वेट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस ट्रे का वेट हमारा कितना हो जाएगा, हमारा मान ले 1.09 ग्राम। मतलब क्या हो जाएगा हमारा एक, मतलब क्या हो जाएगा 1 kg 19 ग्राम, याद रखिएगा, है ना। तो हमारा सैंपल प्लस ट्रे, हम एक सैंपल लिए हैं, सैंपल में क्या किसके अंदर रखेंगे, ट्रे के अंदर रखेंगे। तो मान लो सैंपल प्लस ट्रे इन दोनों का वेट कितना हो जाएगा हमारा 1 kg 19 ग्राम, याद रखिएगा। अब इसको क्या करते हैं अपन Y2, मान लो Y2 क्या करते हैं इसको 38 सेल्सियस में, फिर से 38 डिग्री सेल्सियस में प्लस माइनस का 2 चलेगा, उसको क्या करते हैं 1 घंटे के लिए ओवन में रखते हैं, याद रखिएगा। 1 घंटे में 38 प्लस माइनस का 2 सेल्सियस में क्या करते हैं 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए क्या करते हैं रखते हैं। तो हमारा मान लो कितना आता है सिंपल का वेट हमारा 1.012 आता है, याद रखिएगा। देखो क्या कर रहे हैं अपन, सिंपल प्लस ट्रे का वेट हमारा कितना आ गया 1.19, मतलब 1 किलो 19 ग्राम आ गया। और क्या कर रहे हैं अपन दूसरा W2, उस सिंपल को वेट लिए हैं, वेट लेने के बाद क्या कर रहे हैं 38 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं 1 घंटे के लिए फिर से ओवन में रख रहे हैं। उस टाइम अपन पूरा 4 kg को रखे थे ओवन में 38 डिग्री में, और इस बार सेकेंड स्टेज के लिए क्या कर रहे हैं अपन 1 kg को रख रहे हैं 38 ग्राम 38 डिग्री में, याद रखिएगा, एकदम क्लियर रखिएगा। और 30 डिग्री में उस बार हम 4 kg को रखे थे, इस बार अपन रख रहे हैं 1 kg को। उस टाइम 2 घंटा के लिए रखे थे, अभी हम 1 घंटा के लिए रखने वाले हैं। 1 घंटा के लिए रखे हैं तो हमारा देखो ये 1 घंटा के लिए रखे तो हमारा जो आया है वेल्यू हमारा 1.012 आया है। अभी कितना हमारा वेट लॉस हुआ है किस कैसे पता चलेगा, तो हमारा देखो इसको मान लेते हैं अपन Y3 मान लेते हैं, Y1 माइनस Y2 कर लेते हैं, तो हमारा वेट लॉस निकल जाएगा। Y1 माइनस Y2 करने से क्या हो जाएगा हमारा वेट निकल जाएगा, वेट लॉस। तो हमारा 0.07 ग्राम हमारा वेट लॉस हुआ है, पता चल रहा है। 19 में 12 घटा दो कितना आएगा, 0.07 आएगा, याद रखिएगा 0.07 ग्राम, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये सिंपल वेट लॉस हो गया। 38 ग्राम 38 डिग्री में हम रखे हैं, तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ है, तो हमारा हुआ है 0.07, जिसका साइज क्या है -12.5, आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है ना। ये हो गया, तो अभी इसको क्या करते हैं अपन इसका वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वेट लॉस वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, याद रखिएगा सिंपल वेट इंटू 100। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में कुछ नहीं करना है ना। देखो अपन क्या किए, सैंपल लिए हैं, सैंपल को क्या कर दिए 1 घंटा के लिए ओवन में रख दिए 38 डिग्री में, याद रखिएगा। अब जो आया है ना, जो आया उसको क्या किए हैं घटा दिए हैं Y1 माइनस Y2, है ना। तो हमारा कितना आ गया 0.07 ग्राम, और सिंपल वेट को क्या करना है उसको डिवाइड करना है। वेट लॉस हमारा कितना हो गया 0.07, है ना। हमारा सिंपल वेट कितना है 1.019 इंटू 100, ये क्या करना है इतना को डिवाइड करना है। कैलकुलेशन करने के बाद इसका क्या आता है वैल्यू, 0.34 आता है।
ठीक, देखो एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। तो हमारा क्या हो गया, ये वाई का वैल्यू है, वाई कितना याद रखिएगा, एक सपन कितना निकाल चुके हैं 12, वाई कितना हो गया हमारा 0.34। ये सब हमारा जब जेड का वैल्यू निकालेंगे मतलब टीएम निकालेंगे तो हमको काम आने वाला है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक 0.34 हमारा क्या हो गया, तो ये वाई का वैल्यू हो गया। अब अपन थर्ड स्टेज में चलते हैं, जेड थर्ड स्टेज, इसका सबसे पहले साइज क्या रहेगा, तो इसका साइज रहेगा हमारा -3.35 mm, 3.35 mm इसका साइज रहेगा। आपको जैसे आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो आपको साइज भी पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टेज का साइज क्या है -50 mm, सेकेंड स्टेज का साइज क्या है -12.5 mm, थर्ड स्टेज का साइज क्या है, तो -3.35 mm याद रखिएगा। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेज। अब तीसरा स्टेज के लिए क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल हम 1 kg जो लिए हैं, 1 kg सिंपल लिए हैं, इसी से अपन क्या करते हैं 10 ग्राम सिंपल अपन को लेना है, उसको हम 108 डिग्री ओवन में रखते हैं, इस बात 108 डिग्री टेम्परेचर वाला ओवन में 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा के लिए उसको रखना है, याद रखिएगा। अब इसको हम जेड के लिए निकाल रहे हैं, जेड के लिए याद रखिएगा, तो अपन क्या लेते हैं ए ले लेते हैं, मान लो ए ले लिए, ए क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी डिस का हो जाएगा वेट, एम्प्टी डिस का वेट कितना हो जाएगा मान लो 500 मतलब 50 ग्राम ले लेते हैं इसको, है ना, 50 ग्राम हमारा एम्प्टी डिस, पेट्री डिस आपने कभी ना कभी देखा होगा, पेट्री डिस लैब में, पेट्री डिस से फोटो में आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 50 ग्राम हो गया, पेट्री डिश का वेट कितना हो गया 50 ग्राम हो गया। अब बी लेते हैं, बी हमारा क्या हो जाएगा सिंपल वेट प्लस हमारा पेट्री डिश का वेट, पेट्री डिश का वेट कितना हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 60। अब देखो ये कितना हो गया 60 kg, 60 ग्राम। अब हमारा एक्चुअल सिंपल वेट कितना है कैसे पता चलेगा, तो सिंपल वेट देखते हैं, सिंपल वेट में क्या हो जाएगा, देखो अपन को क्या करना है, सिंपल वेट निकालना है, सिंपल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, बी माइनस ए करना है, बी माइनस क्या करेंगे ए करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सिंपल वेट निकलेगा। तो सिंपल वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 60 माइनस 50 तो हमारा सिंपल वेट कितना है 10 ग्राम, हमारा सिंपल वेट कितना हो गया 10 ग्राम है हमारा सिंपल वेट, याद रखिएगा, है ना, 10 हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, अच्छा ये 10 ग्राम को लेना कैसे है आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है पूरा सिंपल है, सिंपल को क्या करना है पत्तों पूरा फैलाना है, अब उसके बाद इसको क्या करना है बीचों बीच डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर दिए और हर एक कोने से अपन को क्या करना है सिंपल को लेना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे मिला के हमको क्या करना है, है 10 ग्राम लेना है, वैसे 9 से 14 ग्राम तक लेना है, या कर हो गया है 10 ग्राम हो गया, ठीक याद रखिएगा, ये हमारा 10 ग्राम हो गया। अब क्या करते हैं अपन सी लेते हैं, सी हमारा क्या हो जाएगा, इसी 10 ग्राम को हम ओवन में रखते हैं 108 डिग्री में, 108 डिग्री में क्या करते हैं इसको रखते हैं, तो कितना घंटा के लिए रखते हैं 1.5 आवर के लिए रखते हैं। अब रखने के बाद हमारा मान लो कितना आ रहा है सिंपल, अब इतना रखने के बाद हमारा सिंपल कितना आ रहा है मान लो 59, ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है 59.800 ग्राम, 59.800 ग्राम हमारा क्या रहा है सिंपल आ रहा है। अब हमारा वेट लॉस कितना हुआ, इस ओवन में डालने के बाद हमारा वेट लॉस कितना हुआ इसको अपन को कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा कभी भी आप ओवन में या गर्म चीज करते हो उसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही वेट लेना है ना। अब इसको 1 से 1.5 घंटा तक रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, और इस बीच में 1 से 2 बार क्या करना है अपन को उस ट्रे को निकाल के क्या करना है ओवन से निकालना है, फिर वेट लेना है। अब जब हमारा क्या होगा वैल्यू एक्सटेंड होगा तभी आपको निकालना है ना, एक समय जब ऐसा आएगा इसका पूरा वेट लॉस हो जाएगा तो इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इसमें ऑक्सीडेशन होने से पहले अपन को क्या करना है उस सिंपल को ओवन से निकालना है, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन होने से पहले अपन को सिंपल से पहले उसको निकालना है, उसके बाद उसका वेट लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 59.800 ग्राम आया, हम क्या किए हैं 1.5 घंटा रखे हैं सिंपल को, तो 1.5 घंटा बाद हमारा कितना आया 59.800 ग्राम। अब हमारा वेट लॉस कैसे पता चलेगा, तो हमारा वेट लॉस देखो हमारा सिंपल वेट कितना है, हमारा सिंपल वेट 10 ग्राम है,
और एक्चुअल कितना है हमारा, तो देखो ये हमारा बी माइनस सी हो जाएगा, है ना। ये बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, वेट लॉस निकलेगा। बी माइनस सी करने से वेट लॉस, तो 60 ग्राम माइनस हमारा 59.800 ग्राम, तो हमारा कितना आ गया, हमारा ये हो गया 0.200 ग्राम। हमारा क्या है, हमारा सिंपल में हमारा वेट लॉस हुआ है 0.2 ग्राम, 200 ग्राम, है ना। याद रखिएगा 0.200, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अपन जेड का वैल्यू निकालते हैं, निकालते हैं कैसे निकालते हैं जेड का वैल्यू। सबका फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि देखो वेट लॉस और सिंपल वेट ही लेना है, तीनों का फार्मूला सेम रहेगा, एक्स वाई जेड। उसके बाद टीएम का जो वैल्यू फार्मूला रहेगा वो दूसरा रहेगा। तो हमारा वेट लॉस कितना निकल गया है, वेट लॉस हमारा 200 ग्राम। फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट लॉस अपॉन सिंपल वेट इंटू 100। याद रखिएगा हमारा वेट लॉस कितना हुआ है, तो 0.200। हमारा सिंपल वेट कितना है, 10 ग्राम इंटू 100, ये करना है। अब इन सबको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आता है वाई जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना आता है, हमारा 8 आता है, ठीक है, 8 आ गया। क्या किए हैं, 8 आ गया। अब जेड को एक बार समझ लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, टोटल मॉइस्चर निकालेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, अपन 3.35 हम सिंपल को क्रश करवाते हैं। क्रश कर लिए, हमारा सिंपल का वेट कितना है अभी, 1 kg। उस 1 kg को क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ट्रे में बिछाते हैं, और इसका क्या करते हैं, अपन इस प्रकार से इसको बीचों बीच इसको काटते हैं, और हर एक कोने से क्या करते हैं, अपन सिंपल लेते हैं। हर एक कोने से क्या करते हैं, अपन सिंपल लेते हैं। लेते हैं उस सिंपल का वेट कितना होगा, तो हमारा होगा 10 ग्राम, 9 सी 14 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एम्प्टी डिश लेते हैं, उसको वेट करते हैं। वेट करने के बाद उसमें हम अप्रॉक्स 10 kg क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं इस मेथड से, है ना। अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब एक्चुअल सिंपल कितना है पता करने के लिए हम बी माइनस ए करते हैं। तो हमारा सिंपल एक्चुअल 10 ग्राम हो गया। फिर उसको 108 डिग्री तक हम 1.5 घंटा तक करते हैं, ओवन में रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसका हम ठंडा करने के बाद चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले अपन को ओवन में रखने से पहले 1 घंटे बाद, 1 घंटा 10 मिनट होने के बाद उस सिंपल को एक पर्टिकुलर डिश को, मान लो हम टीएम 10 टीएम कर रहे हैं, तो एक टीएम को हर डिश के अंदर ऊपर में आप नंबर लिखेंगे। मान लो एक पहला नंबर को डिश को निकाल को टेस्ट करोगे, तो उसका अगर सिंपल आ रहा है, सिंपल का वेट जो भी आए उसको नोट करना, फिर 10 मिनट बाद रखना। तो अगर दोनों का वैल्यू एक्सटेंड सेम आ रहा है तब सिंपल को निकालना है। अगर हमारा ऊपर नीचे हो रहा है तो अपन को 1.5 घंटे तक रखना है। उसके बाद ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रखना है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा। याद रखिएगा सिंपल में ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल आने लगेगा। उससे पहले हमको सिंपल को निकालना है। सिंपल निकाले तो क्या हो गया, हमारा मान लो 59.800 ग्राम आया। 59.800 ग्राम आया हमारा, जबकि सिंपल वेट कितना था, 60 ग्राम था, है ना, ये टोटल वैल्यू। तो इसको क्या करते हैं, घटाते हैं हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना आया करके। तो हमारा कितना वेट लॉस हुआ, तो हमारा 200 ग्राम हमारा वेट लॉस हो गया। तो अब क्या किए, हमारा जेड का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन। थर्ड स्टेज में जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं, डब्ल्यू एल मतलब वेट लॉस, एस डब्ल्यू मतलब सिंपल वेट इंटू 100, है ना। इसको क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा आंसर 8% आया, 8% है। यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आ गया, याद रखिएगा 8%, है ना। क्या किए हैं, 0.200 अपॉन क्या है, 10 इंटू 100, इसको कैलकुलेशन करने में 8 आ रहा है, ठीक। ये हमारा जेड हो गया। अब टोटल मॉइस्चर देखते हैं, याद रखिएगा अब ये पूरा हमारा तीनों स्टेज एक साथ काम आने वाला है। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टीएम का फार्मूला हो गया, टोटल मॉइस्चर का फार्मूला हो गया। एक्स प्लस वाई कोष्टक के अंदर रहेगा 1 माइनस x अपॉन 100 कोष्टक 1 प्लस जेड, है ना, कोष्टक के अंदर रहेगा 1 माइनस x प्लस y का अपान, ये हो जाएगा हमारा 100। अभी हम क्या किए हैं, वैल्यू निकाल चुके हैं। वैल्यू क्या क्या रहा है हमारा यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाले हैं 12, y का वैल्यू निकाले हैं 0.34, और z का वैल्यू निकाले हैं 8। अब इन सबको क्या करते हैं, इसमें रखते जाते हैं। तो देखो x का वैल्यू कितना आया हमारा, 12, याद रखिएगा। y का वैल्यू कितना आया है, 0.34। अब हमारा 1 का आया है, देखो x का वैल्यू 12 हो गया और 0 ये 100 हो गया, है ना। प्लस ये हमारा जेड का वैल्यू कितना है, 8, और एक्स का 12 प्लस 0.34 और अपान 100।
कुछ नहीं किए हैं अपन, क्या किए हैं, केवल वैल्यू रखते गए हैं। एक्स के जगह 12 रखे हैं, वाई की जगह 0.3 रखे हैं, एक्स की जगह 12 रखे हैं, जेड की जगह 8 रखे हैं, एक्स प्लस वाई को केवल डिनोट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं अपन। अब क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, गणित में आपने बोर्ड मास पढ़ा है, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। 12 को अगर क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा 0. क्या हो जाएगा, 0.12। अब इसको -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.88 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अपन किससे करते हैं, अपन देखो 12 यहाँ भी है, 12 प्लस 0.34, इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा फिर इसका प्लस होगा, ये 12 हो गया प्लस। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना किए हैं, दोनों का 0.34 मल्टीप्लाई 0.88, दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा कितना आ गया वैल्यू, 0.2992, ये क्या आ गया, हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको पूरा को जोड़ रहे हैं, 12 को इसमें जोड़ना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12.2992, ये हमारा इतने का वैल्यू आ गया। देखो एक्स प्लस वाई कोष्टक में 1 - x + 100, ये इतने का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 12.2992 हो गया। अब इस जेड पोर्शन को हल करते हैं, जेड पोर्शन को हल करते हैं तो सबसे पहले कितना आ गया, हमारा जेड का 8 आ गया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सेकेंड पोर्शन में आ गया, सेकेंड पोर्शन में क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ रहे हैं, सबसे पहले 12.12 + 0.34 दोनों को जोड़े हैं आपस में, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए हैं, सॉरी इसको क्या कहे हैं, दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ने के बाद क्या कर दिए, 100 से डिवाइड किए हैं, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0.124, ये हमारा कितना आ गया, 124 इतना का। अब इसको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करने पर 7.0128 आया, 7.0128। आप एग्जाम्पल अपना से ले सकते हो, ये क्या है, मैं किया हुआ हूँ, तो ये मेरे को क्या है, ये आंसर कैलकुलेशन किया हुआ है, तो आसानी से मेरे को समझ आ रहा है ना। दोनों को क्या है, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 7.0128 आ गया। अब देखो यहाँ को और यहाँ को दोनों को जोड़ना है, मतलब 12 हम इस पोर्शन का लाए हैं 12, और इस पोर्शन का हम लाए हैं 7.128, दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल टीएम आया, टोटल मॉइस्चर का वैल्यू आया 19.31 आया, याद रखिएगा 19.31 हमारा टीएम आया, टीएम का वैल्यू कितना है, तो 19.31, याद रखिएगा 19.31, ये हमारा क्या हो गया, तीन स्टेज वाला टोटल मॉइस्चर हो गया। तो क्या किए, ये टोटल मॉइस्चर का हमारा फार्मूला है एक्स प्लस वाई है ना, कोष्टक में है 1 - x / 100 प्लस जेड का वैल्यू है, जेड कोष्टक के अंदर क्या रहेगा, 1 - x + y और 100, इसको क्या करना है, पूरा को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके क्या करना है, अपन को टीएम निकालना है, जो जो जगह क्या है वैल्यू हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, उस वैल्यू को पुट करते जाइएगा, फिर ये हमारा क्या है निकलने वाला है। ये टीएम हमारा तीन स्टेज का है, जो कि एफएसए मेथड से है, इससे पहले हम आईएस मेथड का बताए हैं, और आगे हम एसओपी मेथड का और हम बताने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। तब तक क्या है, इस वीडियो को एक बार और रिविजन करिए, रिवाइज करिए, ताकि आपको और समझ आएगा इसी वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या किए हैं, सबसे फर्स्ट स्टेज का हमारा साइज क्या हो जाएगा, 50 mm, सेकेंड स्टेज का हमारा हो जाएगा साइज 12.5 mm, थर्ड स्टेज का साइज होगा हमारा 3.35 mm, याद रखिएगा। इसमें हम सेकेंड में क्या किए हैं, हमारा एक नेक्स्ट आया है 38 का, हमारा क्या आया है, एक वन लिए हैं, सबसे पहले 4 kg में 2 घंटा रखे हैं, फिर सेकेंड स्टेज में 1 kg के साथ 1 घंटा रखे हैं, याद रखिएगा, यही एक हमारा नया कॉन्सेप्ट था।